ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अपराजिता का प्लांट है। इसमें बहुत सारे फूल आते थे, ढेरों फूल इस पे आते थे और भगवान भोलेनाथ पर हम रोज़ चढ़ाया करते थे। लेकिन पता नहीं इस प्लांट में क्या हो गया है कि ये हमारा प्लांट सूख रहा है। हम इसको बराबर पानी भी देते हैं और हमारे सारे प्लांट देखिए कितने हरे भरे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो हम आपको अपने फ्लावर दिखा रहे हैं। ये फ्लावर बहुत छोटे हैं, बारिश नहीं होने की वजह से ज़्यादा बड़े फ्लावर नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से ही फ्लावर हैं। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए गर्मी की वजह से कितने मेरे दाने निकल आए हैं, छोटे छोटे से, ये देखिए फेस पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और देखिए हम आपको क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए घड़ा है, इस घड़े का पानी हम पीते हैं फ्रेंड्स। तो गर्मियों के मौसम में हम इस समय बिल्कुल भी फ्रीज नहीं यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज का पानी हम बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं। हम घड़े का ही पानी पीते हैं, सुबह इसमें रख देते हैं पानी, दोपहर शाम, ये हमारा शाम तक चल जाता है। उसके बाद शाम को हम फिर भर के लगा देते हैं, इसको रख देते हैं भर के और फिर सुबह हम फिर पीते हैं। तो हम घड़े का ही पानी पीते हैं, फ्रिज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब से कोरोना चला था तब से हमने फ्रिज का पानी पीना बंद कर दिया था, तो हम घड़े का ही पानी पीते हैं। और फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल नए तरीके से हमने बनाई है। तो आप हमारे इस ब्लॉग वीडियो पर बने रहिएगा। हमने बॉक्सर सेट अपने आयुष्मान के लिए ऑर्डर किया था, अमेजॉन से मंगाया था, वो भी आ गया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ये हमारे घर के बाहर का सीन है, थोड़ा सा मरम्मत करने वाला था तो आज मरम्मत की गई है। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी रुक जाता था तो मिट्टी डाल के यहाँ पर बराबर कर दिया गया है, क्योंकि अब बारिश तो आ नहीं रही है लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन यहाँ पानी भर जाएगा। तो इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी करके रख ली गई है, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता था तो थोड़ा सा मिट्टी हमने डाल दी है और यहाँ पर हमने बराबर भी कर दिया है। तो अब बारिश में यहाँ पर पानी नहीं भरेगा, पूरा बराबर हो गया है। तो पानी के निकलने का रास्ता भी नहीं था तो रास्ता भी बना दिया गया है, तो अब पानी आसानी से निकल जाएगा। और सुबह सुबह हम चाय बना रहे हैं, सुबह के 6 बजे हुए हैं और हम चाय बना रहे हैं। अभी घर पे सभी लोग सो रहे हैं तो हम अपना सुबह का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह हमारा काम चाय से स्टार्ट होता है। सबसे पहले उठ के हमें चाय बनानी रहती है, तो हम सबसे पहले चाय बनाएंगे और उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। जब तक हमारी चाय पकेगी तब तक हमारे दूसरे काम हो जाएंगे, तो हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अपने दूसरे काम करेंगे। ये हमने चाय में सभी कुछ डाल दिया है, चाय की पत्ती, अदरक, चीनी, दूध, हम सब कुछ डाल देंगे। और डालने के बाद गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख देंगे और ये हमारी चाय धीरे धीरे से पकेगी तो इसमें ज़्यादा स्वाद आएगा। तो हम इसको बिल्कुल स्लो स्लो पकाएंगे। जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक सब लोग उठ जाएंगे और हम अपने आगे के काम निपटा लेते हैं। तो चाय हमारी पक रही है धीरे धीरे और हम अपने दूसरे काम फटाफट कर लेंगे। और ये अपने काम करने के बाद हम सीधे नहाएंगे सबसे पहले, तब तक हमारी चाय बनती रहेगी, धीरे धीरे पकती रहेगी।
तो अभी हमारी साफ़ सफाई हो रही है। तो ये देखिए हमारी चाय खौल रही है, तो हम इसको अभी 10 मिनट तक और खौलाएंगे धीरे करके, फिर हम नहाने चले जाएंगे। ये हमारे आयुष्मान जी हैं, तो आज इन्होंने ऑर्डर किया था, तो इनका ऑर्डर आ गया है। तो आज हम दिखाते हैं आपको कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया था, आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखिए इनका ऑर्डर आ चुका है। इन्होंने क्या मंगाया था, बॉक्सिंग सेट, ये बॉक्सिंग करेंगे इस पे। तो ये इन्होंने ये मंगवाया है, इन्होंने ऑर्डर किया था, तो आज आ गया है सुबह सुबह। तो ये बहुत खुश हैं, तो हम आज आपको ओपन करके दिखा रहे हैं क्या है इसमें। तो ये देखिए ये क्या है बेटा, कहाँ लगता है? अच्छा इधर दिखाओ तो सबको। ये देखिए ये आया है इनके लिए, इसको इसको लटकाना रहेगा, इसको हम लटका देंगे। और ये देखिए इसमें डोरेमोन बना हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ और भी है, ये इसके ग्लव्स हैं, इसको भी पहन के दिखाओ सबको। ये इनके ग्लव्स हैं। तो ये देखिए ये हमने अमेजोन से मंगवाया है, ये बहुत अच्छा है फ्रेंड, बहुत कम प्राइस में मिला है। ये देखिए इसमें रबड़ लगी हुई है, ये देखिए। तो आज ये बहुत खुश है, सुबह से जिद कर रहे थे हमारा, जल्दी से हमें दिखाइए, खोलो इसको, ओपन करो इसको, पहन के तो दिखाओ, पहनो इसको। ये देखिए ये 5 से 10 साल के बच्चे के लिए है, 10 साल का बच्चा भी है अगर तो भी उसके लिए परफेक्ट है, और अगर ये 5 साल का बच्चा है तो अभी तो ये 5 साल के हैं, तो इनके लिए मैंने मंगवाया है। और ये 10 साल के बच्चे के लिए भी फिट बैठेगा, और इसको लटकाना रहेगा किसी छल्ले में लगा के, हम इसको लटका देंगे। ये देखो स्टार्ट हो गए हैं, बस हो गया, इसको जब लटकाएंगे तभी करना, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब रख दो इसको। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ अभी भी बारिश नहीं हुई है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, गर्मी की वजह से हमारे यहाँ सभी का बहुत बुरा हाल है। अगर लाइट चली जाती है 1 घंटे के लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या करें। अब अभी हमारे सारे काम हो गए हैं, सारे काम हमने कर लिए हैं, तो अभी हम ये हम लगा रहे हैं मक्खन ब्रेड में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हमारे बाबू ने, हमारे आयुष ने नाश्ता नहीं किया है, उनके पापा ने भी नाश्ता नहीं किया है, तो हम इन दोनों लोगों के लिए मक्खन लगा रहे हैं ब्रेड में। तो ये लोग अपना नाश्ता करने जा रहे हैं, तो हम फटाफट ब्रेड में मक्खन लगा कर इन लोगों को नाश्ता कराएंगे, और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए हमने ये हरी मटर मंगाई थी, और इसको हम अच्छे से साफ करके पहले हम इसको धुल लेंगे, और उसके बाद 1 गिलास पानी डालकर हम इसको कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटियां लगाने के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। गैस पे रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और इसको ढक्कन लगा देंगे। तो ये हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं, जिनको हम छीलेंगे पहले, उसके बाद हम पतले पतले लंबे पीस काटेंगे। हमने वीडियो की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने
स्पीड को बढ़ाया है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग वॉच नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो इसीलिए मैंने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ये हम प्याज कट कर रहे हैं। अब हम लेंगे लहसुन। लहसुन की हम 10-12 कलियाँ ले लेंगे, तो हम 10-12 कलियाँ लहसुन की भी छील लेंगे। ये हमारे कुकर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सीटी आने में दिक्कत आती है। अब अगर ढक्कन थोड़ा सा ढीला रह जाता है तो कुकर हमारा अच्छे से प्रेशर नहीं बना पाता है। तो अब हमने ढक्कन को टाइट कर दिया है और इधर हम लहसुन छील लेंगे। लहसुन की 10-12 कलियाँ हमें लेनी है और उसके बाद इसको भी हम पतला पतला पीस में काट लेंगे। और ऐसे ही हम अदरक ले लेंगे। अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा टुकड़ा, और उसको भी हम ऐसे ही साफ़ करके और लंबे पीस में काट लेंगे। तो ये हमने अदरक को भी काट लिया है। अब हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हम 7-8 हरी मिर्च लेंगे। अगर आप की मिर्ची तीखी है तो आप मिर्ची कम डालिए हरी मिर्ची, और अगर आपकी मिर्ची तीखी नहीं है तो आप बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम लाल मिर्ची बहुत कम डालेंगे। हम लाल मिर्ची बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि लाल मिर्ची ज़्यादा खाने से थोड़ा सा पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए हम हरी मिर्च का ही यूज़ करेंगे। तो हमारा मटर उबल चुका है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल से भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। जब हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम जो कटे हुए प्याज, अदरक और लहसुन है उसको हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची हमें फ्राई नहीं करनी है, हरी मिर्ची हम अलग निकाल लेंगे। और प्याज, लहसुन और अदरक को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई होगा तब तक हम अपने पनीर काट लेंगे। तो ये पनीर को हम चौकोर पीस में काट रहे हैं। सभी पीस बराबर शेप में काटने चाहिए, तो ये हम बराबर बराबर के पीस ले रहे हैं। तो हमने पनीर के बराबर पीस काट लिए हैं और प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम प्याज को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये प्याज हमने निकाल लिया है। जो हमारा तेल बचा हुआ है इसी में हम जो पनीर कट किए हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को हम फ्राई करेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको हल्का ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर का स्वाद चला जाता है, पनीर खाने में कम टेस्टी लगती है, तो इसलिए हम इसको हल्का सा ही फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। अब हम इधर मसाले अपने तैयार करेंगे। ये जो हमने हरी मिर्च ली थी इसको पहले हम डालेंगे मिक्सी जार में, और उसके बाद हमने जो प्याज फ्राई किया था, प्याज, अदरक और लहसुन को भी हम अच्छे से इसी में डाल देंगे और एक साथ सभी को पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे। तो हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है अच्छे से, तो हम इसको भी अब निकाल लेंगे और अपनी सब्जी में तड़का लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है और पनीर जो था, हम एक टमाटर ले रहे हैं छोटा, उसको भी हम पीस लेंगे, उसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने टमाटर और प्याज दोनों को अच्छे से पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। ये हमारी मटर उबल चुकी है, तो हम इसको भी किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जो हमारी कढ़ाई में तेल बचेगा उसी तेल में हम सब्जी बनाएंगे, और हम तेल इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी सब्जी भर का तेल हमारी कढ़ाई में है। तो हम पहले डालेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद हम 6-7
काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम धनिया, लाल मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी, ये पाउडर हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे तेल में डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे। मसाले हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे मसाले से तेल ना छूटने लगे, तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये हम धीरे आंच पे पका रहे हैं, गैस का फ्लेम हमने बहुत स्लो कर दिया है और धीमी आंच पे हम पका रहे हैं। हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मसाले को अच्छे से पकाना है। मसाला अगर कच्चा रह जाएगा तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। जब मसाला पक जाएगा तो हम जो हमारी मटर है वो मटर भी हम डाल देंगे और स्वादानुसार हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग, अगर हमने ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप पानी उसी हिसाब से डालिए, अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा कम डालिए। तो ये हमने नमक डाल दिया है और हम अच्छे से इसको चला देंगे ताकि मसाले हमारे जलने ना पाएँ। और अब हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, जब तक कि हमारी ग्रेवी उबलने ना लगे तब तक हम पकाएंगे। जब हमारी ग्रेवी उबलने लगेगी तो हमने जो टमाटर पीस के रखा था, टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी हम डाल देंगे। तो हमने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है। अब फिर हम इसको 5 मिनट के लिए यूं ही पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और जो हमारी पनीर थी फ्राई की हुई वो पनीर हम डाल देंगे। पनीर हम बाद में डालेंगे, तो ये हमने बाद में पनीर डाल दी है। 2 से 3 मिनट फिर हम इसको ढककर ऐसे ही पका लेंगे ताकि पनीर के अंदर भी ग्रेवी चली जाए तो पनीर में स्वाद आ जाएगा। तो हम 2-3 मिनट तक पनीर को ऐसे ढककर पका लेंगे। तो ये हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अब हम गैस से नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद कटा हुआ हरा धनिया हम सब्जी में डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है। अभी ये थोड़ा सा जब ठंडी हो जाएगी तो हमारी सब्जी और थोड़ा सा गाढ़ी होगी। तो ये आप देखिए अभी हमारी सब्जी बहुत गर्म है, तो हमने धनिया डाल दी है। धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे। इसी तरह से ढक्कन लगा के रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम दूसरे बर्तन में सब्जी को पलट लेंगे। ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, अगर हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी को ज़्यादा देर रखेंगे तो हमारी सब्जी का कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी 5 मिनट के बाद सब्जी को दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। तो ये हमने दूसरे बर्तन में सब्जी को पलट लिया है, तो ऐसे हमारी सब्जी ऐसे ही